गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और जैसा कि मैं पिछले कल रुका था कसौली में और सुबह हो चुकी है, बालकनी से नज़ारे देखने लायक है, मैं दिखाता हूँ आपको। हे देखो भाई, कसौली के क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, और शायद शिमला की हिल्स हैं उस साइड जो है ना। अभी मैं होऊंगा रेडी और मैं निकलूंगा 10 बजे के आसपास पर जाने के लिए कसौली जो मेन है। मैं कसौली से नीचे रुका था 3 किलोमीटर, बिकॉज ऊपर तो रूम्स जो थे होटल में बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो गाइज अभी मुझे पीनी है चाय, तो बाहर ही जाना पड़ेगा, ये होम स्टे है, तो चलते हैं चाय पी के आते हैं। ये खड़ी है अपनी बाइक, इसका ना रेड टायर से कुछ साउंड आ रही है हल्की सी, आज भी आएगी अगर साउंड तो किसी मैकेनिक को दिखाऊंगा। ये कल ना पूरे रास्ते बीप की साउंड आती रही, पता नहीं वो क्या किस चीज़ की है। चाय की दुकान ऊपर है, चाय मिलेगी? हाँ जी दे दो भाई कप चाय का, पर आना कहाँ, आपकी दुकान में आने का रास्ता नहीं मिल रहा भाई। अच्छा अच्छा, एक चाय भाई जी, ओनली वन। सो भाई चाय लेके रूम पे चलते हैं, ठंड तो बड़ी है बाहर। और ये है अपना लक्ष्मी रेजिडेंसी, यहीं पे रुका हूँ भाई मैं। नज़ारे देखो, नज़ारे बाहर नहीं जाऊँगा, वहाँ हवा है हल्की हल्की। मैं हो गया रेडी, अभी मैं करूंगा ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं निकलूंगा कसौली के लिए ऊपर। मैं थोड़ा सा लेट इसलिए निकल रहा हूँ ताकि मैं सनसेट, यहाँ का जो बहुत फेमस है वो सनसेट देखूं जाके। मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपको मिलता हूँ राइड पे। निकल चुका हूँ मैं, और यहाँ से 4 किलोमीटर और है। देखो चार नंबर की गाड़ियाँ ऊपर जाती हुई। मुझे नहीं पता आगे कैसा होगा, मिलिट्री एरिया है ना पूरा, कहाँ तक जाने देंगे नहीं जाने देंगे, पर चलते हैं। मैं आपको बता दूँ कि कसौली जो है इसका नाम के पीछे भी कई कहानियाँ हैं। इसका नाम कसौली क्यों पड़ा, इसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी ये है कि रेवाड़ी के कुछ राजपूत थे जो कि आए और हिमालय की तलहटी में कुसल नाम का एक गाँव था वहाँ के बस गए, और समय के साथ ये गांव कसौली के रूप में स्थापित हो गया। दूसरी कहानी ये है कि ज्वाली के पास कुसल्य नाम की एक पहाड़ी जलधारा थी और जिसके चलते इसका नाम कसौली पड़ा। तीसरी मान्यता ये है कि कसौली का जो नाम है वो कुसमावली है, जिसका अर्थ है फूलों की कतार। जब हम कसौली घूमने आते हैं तो उसके अनुसार जो तीसरी मान्यता ना वो ज़्यादा रेलिवेंट लगती है, बिकॉज जब कसौली आते हैं तो आप हर मौसम में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखने को मिल जाएंगे। मिलिट्री एरिया है, पता नहीं कैमरा ऑन करना अलाउ है या नहीं, बंद ही कर देता हूँ। बाइक मैंने पीछे खड़ी कर दी बिकॉज आगे तक बाइक अलाउ नहीं है, और आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो देख सकते हैं। ये साइड जाता है गिलबर्ट ट्रेल, गिलबर्ट हाउस, सनसेट पॉइंट, ये सब इस साइड है। चलो मेरे को तो आगे जाना है, आगे तक जाके आऊँगा कि क्या है, कौन सी ट्रेल है, वो गिलबर्ट ट्रेल है, आगे चल के उसको एक्सप्लोर करके आऊँगा। सो गाइस ये है, लिखा है गिलबर्ट ट्रेल नेचर पार्क। ये देखो ये सब पाइन ट्री है नीचे पूरे, क्या ही सुंदर जगह है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मन कर रहा हूँ फ़ोटो खींचूँ यहाँ खड़े होके, खींच ही लेता हूँ जब मन कर रहा है तो। कच्चा रास्ता है थोड़ा सा, पतला पतला सा रास्ता। लगता है यही होगा व्यू पॉइंट फिर जो बताया उन्होंने, यहाँ से मुझे नीचे का नज़ारा दिखता है। ये है व्यू पॉइंट यहाँ का, ओके यहाँ से नीचे का नज़ारा दिख रहा है, तो नीचे कोई गांव है घर है वो दिख रहे हैं।
जा रहा है नीचे की तरफ रास्ता, इसको भी देख के आता हूँ आगे क्या है, पहाड़ी है क्या है आगे तक। मतलब लोगों ने कितना गंद मचा के रखा है, देखो कितनी बोटल्स फेंक रखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। पब्लिक यहाँ तक आती होगी मेरे ख्याल से, ये देखो बैठने के लिए भी जगह बना रखी है इधर, बेंच टाइप का ना, ये देखो तो इधर तक आती है जनता। सुंदर जगह है, थोड़े से फोटो खींचता हूँ यहाँ के फिर चलूँगा वापस। बांध से चल के नीचे आया हूँ और ऊपर टावर्स हैं, इस पहाड़ी पे टावर्स हैं ऊपर, ऊपर जाके अलग अलग पहाड़ियों पे भी टावर्स लगा रखे हैं इधर। तो ये हेरिटेज मार्केट कसौली की, चलते अंदर क्या मिलता है इधर। देखो भाई यहाँ पे कसौली क्लब एंड सेराई ना इस साइड है, चलते हैं आगे दिखेगा। तो गाइस इधर ना सेराई के भी आप फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है वहाँ पे, तो वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी वो कर नहीं पाया मैं। तो गाइस ये है क्रिस्ट चर्च, अभी मैं पहुंच चुका हूं सनसेट पॉइंट पे और अभी भी है टाइम है सनसेट होने में, और भीड़ बहुत होगी मुझे लग रहा है।